जीवन की व्यर्थता का बोध ही क्या जीवन में अर्थवत्ता का प्रारंभ बिंदु बन जाता है? बन सकता है, ना भी बने। संभावना खुलती है, अनिवार्यता नहीं। जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़े तो परमात्मा की खोज शुरू हो सकती है, शुरू होगी ही, ऐसा जरूरी नहीं। जीवन की व्यर्थता पता चले तो आदमी निराश भी हो सकता है, आशा ही छोड़ दे, व्यर्थता में ही जीने लगे, व्यर्थता को स्वीकार कर ले, खोज के लिए कदम ना उठाए, तो जीवन तो दूभर हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, परमात्मा की यात्रा ना होगी। इतना तो सच है कि जिसने जीवन की व्यर्थता नहीं जानी वो परमात्मा की खोज पर नहीं जाएगा, जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जीवन में ही रस आता हो तो किसी और रस की तरफ आंख उठाने का कारण नहीं है। फिर जीवन की व्यर्थता समझ में आए तो दो संभावनाएं हैं, या तो तुम उसी व्यर्थता में रुक के बैठ जाओ और या उस व्यर्थता के पार सार्थकता की खोज करो, तुम पर निर्भर है। नास्तिक और आस्तिक का यही फर्क है, यही फर्क की रेखा है। नास्तिक वह है जिसे जीवन की व्यर्थता तो दिखाई पड़ी लेकिन आगे जाने की, ऊपर उठने की, खोज करने की सामर्थ्य नहीं, रुक गया, नहीं में रुक गया, हां की तरफ ना उठ सका, निषेध को ही धर्म मान लिया, विदेह की बात ही भूल गया। आस्तिक नास्तिक से आगे जाता है, आस्तिक नास्तिक का विरोध नहीं, अतिक्रमण है। आस्तिक के जीवन में भी नास्तिकता की का पड़ाव आता है लेकिन उस पर वो रुक नहीं जाता, वो उसे पड़ाव ही मानता है और उससे मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है। क्योंकि जहां नहीं है वहां हां भी होगा, और जिस जीवन में हमने व्यर्थता पहचान ली है उस जीवन के किसी तल की गहराई पर सार्थकता भी छिपी होगी, अन्यथा व्यर्थता का भी क्या अर्थ होता है? जिसने दुख जाना वो सुख को जानने में समर्थ है, अन्यथा दुख को भी ना जान सकता है। जिसने अंधकार को पहचाना उसके पास आंखें हैं जो प्रकाश को भी पहचानने में समर्थ है। अंधों को अंधेरा नहीं दिखाई पड़ता है। साधारणता हम सोचते हैं कि अंधे अंधेरे में जीते होंगे, गलत है ख्याल। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए, अंधेरा भी आंख की ही प्रतीति है। तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है आंख बंद कर लेने पर, क्योंकि अंधेरे को तुमने देखा है। जन्म से अनमांध जन्मांध व्यक्ति को अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता, देखा ही नहीं है कुछ, अंधेरा कैसे दिखाई पड़ेगा? तो जिसको अंधेरा दिखाई पड़ता है उसके पास आंख है, अंधेरे में ही रुक जाने का कोई कारण नहीं है। और जब अंधेरा अंधेरे की तरह मालूम पड़ता है तो साफ है कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ प्रकाश का भी कोई स्रोत है, अन्यथा अंधेरे को अंधेरा कैसे कहते? कोई कसौटी है तुम्हारे भीतर, कहीं गहरे में छिपा मापदंड है। अंधेरे पे कोई रुक जाए तो नास्तिक, अंधेरे को पहचान के प्रकाश की खोज में निकल जाए तो आस्तिक, अंधेरे को देख के कहने लगे अंधेरा ही सब कुछ है तो नास्तिक, अंधेरे को जान के
अभियान पर निकल जाए, खोजने निकल जाए कि प्रकाश भी कहीं होगा। जब अंधेरा है तो प्रकाश भी होगा, क्योंकि विपरीत सदा साथ मौजूद होते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश होगा, जहां दुख है वहां सुख होगा, जहां नरक अनुभव किया है तो खोजने की ही बात है, स्वर्ग भी ज्यादा दूर नहीं हो सकता। स्वर्ग और नरक पड़ोस पड़ोस में एक दूसरे से जुड़े। अगर तुमने जीवन में क्रोध का अनुभव कर लिया तो समझ लेना कि करुणा भी कहीं छिपी है, खोजने की बात है। तुमने पहली परत छू ली करुणा की, क्रोध पहली परत है करुणा की। अगर तुमने घृणा को पहचान लिया तो प्रेम को पहचानने में देर भला लगे, लेकिन असंभावना नहीं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है लेकिन पर्याप्त नहीं। उतने को ही परमात्मा की शुरुआत में समझ लेना, उतने से ही अथातों का बिंदु ना आ जाएगा। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी सकते हो। पश्चिम में बड़ा विचारक है ज्यांपाल सात्र, वो कहता है अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है, दुख के पार कुछ भी नहीं। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, संत्रास सब कुछ है, बस नरक ही है, स्वर्ग नहीं। बुद्ध ने भी एक दिन जाना था दुख है, सात्र ने भी जाना कि दुख है, यहां तक दोनों साथ साथ, फिर राहें अलग हो जाती। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा, तो वे खोज पर गए। दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस स्थिति को उपलब्ध हो गए जो दुख निरोध की है, आनंद की है। सात्र पहले कदम पर रुक गया, बुद्ध के साथ थोड़ी दूर चलता है, फिर ठहर जाता है। वो कहता आगे कोई मार्ग नहीं, बस यहीं सब समाप्त हो जाता है। तो जो रुक जाए जीवन की व्यर्थता पर वो नास्तिक। इसलिए नास्तिक को मैं आस्तिक जितना साहसी नहीं कहता। जल्दी रुक गया, पड़ाव को मुकाम समझ लिया, आगे जाना है और आगे जाना है। एक बड़ी पुरानी सूफी कथा है कि फकीर जंगल में बैठा था, वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए ले जाते लाते देखता था। उसकी दीनता, उसके फटे कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह, उसे दया आ गई। वो जब भी निकलता था लकड़हारा तो उसके चरण छू जाता था। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटने जाए, आगे जा और आगे जा। लकड़हारा कुछ समझा नहीं, लेकिन फकीर ने कहा है तो कुछ मतलब होगा। ऐसे कभी ये फकीर बोलता ना था, पहली दफा बोला है आगे जा और आगे जा। तो जहां वो लकड़ियां काटता था जंगल में, थोड़ा आगे गया, चकित हुआ, सुगंध से उसके नासापुट भर गए। चंदन के वृक्ष थे, वहां तक वो कभी गया ही ना था। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा, तो उस रात खुशी में रोया, दुख में भी खुशी में भी, कि अगर यही लकड़ियां आप तक काट के बेची होती तो करोड़पति हो गया होता, पर अब गरीबी मिट गई। दूसरे दिन जब चंदन की लकड़ी फिर काट रहा था तो उसे ख्याल आया कि फकीर ने यह नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा, उसने कहा था और आगे और आगे। तो उसने चंदन की लकड़ियां ना काटी और आगे गया, तो देखा कि चांदी की एक खदान। फिर तो उसके हाथ में सूत्र लग गया, फिर और आगे गया तो सोने की खदान,
फिर और आगे गया तो हीरों की खदान पर पहुंच गया, और आगे जब तक कि हीरों की खदान ना आ जाए उसको ही हम परमात्मा कहते हैं। तुम लकड़हारों की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो, थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन है। तुम विचारों में ही उलझे हो जहां लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, बड़ी सस्ती उनकी कीमत है, थोड़े निर्विचार में चलो, चंदन के वन है, बड़ी सुगंध है वहां, और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की खदानें, और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक के जाता है, कई पड़ाव बनाता है। भक्त सीधा जाता है, नाचता हुआ जाता है, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता, वो सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, नास्तिक से ज्यादा हिम्मत आस्तिक की है, योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, क्योंकि भक्ति सीढ़ियां भी नहीं बनाता, तो एक गहरी छलांग लेता है जिसमें अपने को डुबा देता है, मिटा देता है। इस अनुभव पर आना अत्यंत जरूरी है कि जीवन व्यर्थ है। अंधेरी रात, तूफाने तला तुम, ना खुदा गाफिल, यह आलम है तो फिर किस कस्ती, सरे मौजे रवा कब तक। अंधेरी रात, सब तरफ अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं, हाथ को हाथ नहीं सूझता, तूफाने तला तुम, बड़ी आंधियां हैं, बड़े तूफान हैं, सब उखड़ा जाता है, कुछ ठहरा नहीं मालूम पड़ता, बड़ी अराजकता है, ना खुदा गाफिल। और जिसके हाथ में कश्ती है, वो जो माछी है, वो सोया हुआ है, बेहोश है। यह आलम है, ऐसी हालत है तो फिर किस्ती, सरे मौजे रवा कब तक। तो इस किस्ती का भविष्य क्या है? ये नाव अब डूबी तब डूबी, इस नाव में आशा बांधनी उचित नहीं, इस नाव के साथ बंधे रहना उचित नहीं, लेकिन जाओगे कहां, भागोगे कहां? यही कश्ती तो जीवन है। तुम सोए हो मूर्छित, तूफान भयंकर है, अंधेरी रात है, डूबने के सिवाय कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन डूबना दो ढंग का हो सकता है, एक कश्ती डुबाए तब तुम डूबो, और एक कि कश्ती में बैठे बैठे तुम डूबने के लिए कोई सागर खोज लो। उस सागर को ही हम परमात्मा कहते हैं। अच्छा यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है, तो फिर हिम्मत आ जाती है, फिर आदमी कहता है कि ठीक, तो अगर माझी तू चाहता ही है कि कश्ती डुबानी है तो डुबा के देख, तू ही अकेला नहीं है माझी, तुझसे ऊपर खुदा भी है, एक तू ही ना खुदा नहीं, जालिम खुदा भी है, फिर अंधेरी रात, तूफान, कश्ती का अब डूबा तब डूबा होना, सब दूर की बातें हो जाती। तुम भीतर कहीं एक ऐसी जगह लंगर डाल देते हो जहां तूफान छूते ही नहीं, जहां रात का अंधेरा प्रवेश ही नहीं करता, और जहां किसी ना खुदा की किसी माझी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा ही माझी है। जरूरी है कि जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए। बहुत है जो जीवन की व्यर्थता बिना देखे आस्तिकता में अपने को डुबाने की चेष्टा करते हैं, वे कभी ना डूब पाएंगे, वे चुल्लू भर पानी में डूबने की चेष्टा कर रहे हैं, वे अपने को धोखा दे रहे हैं।